नमो नमः दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, कोई भूमि का चयन करने जा रहे हैं जिसपे आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो उस समय आपको वास्तु के अकॉर्डिंगली किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो वो भूमि है आपको फलीभूत हो, आपको वहाँ फायदा हो, जब आप वहाँ पे रहने लगे आप सुख और समृद्धि आपको प्राप्ति हो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जो मकान बन जाता है उसके बाद में आते हैं कि हाँ हमारे घर में वास्तु प्रॉब्लम है, वास्तु दोष है, तो उसमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए हमें। तो वो बाद में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है हमारे पास, क्योंकि हम ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करवाना चाहते। तो इससे सबसे बेटर है कि अगर जब भी आप कोई नया प्लॉट खरीदने जा रहे हैं जिसपे आप अपना मकान बनाने वाले हैं, तो पहले ही हम भूमि का चयन इस प्रकार करें कि जिससे वास्तु, जब हम उसमें वास्तु अप्लाई करेंगे, जब उस मकान को वास्तु के हिसाब से बनाएंगे, तो आपको जो आपको दिक्कतें हैं वो कम से कम आए और आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो इसी विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है मेरा, वो आता है शेप्स, आकृति। जो आप प्लॉट लेंगे वो जो उसकी आकृति है वो या तो आप वर्गाकार ले सकते हैं, वर्गाकार मतलब स्क्वायर यार्ड, जो मतलब आप जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब आपका जो उसका फ्रंट आपका है, मान लीजिए फ्रंट अगर आपका 30 फुट है, 30 फुट ही आपका उसकी गहराई है चारों तरफ। मैं आपको पेपर पर समझाती हूँ उस इसमें, जैसे कि आप जो ले सकते हैं वो स्क्वायर ले सकते हैं, मान लो ये 30 फीट है, 30 फीट, 30 फीट, 30 फीट, तो आप ये इस टाइप का क्या कहते हैं स्क्वायर प्लॉट ले सकते हैं। हम आप आयताकार भी ले सकते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर, वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो आपका फ्रंट है, लेट से आपका फ्रंट अगर 20 फुट है, तो जो आपकी गहराई है वो उसकी दुगनी होनी चाहिए। तो अगर ये 20 है तो ये आपका 40 होना चाहिए, तो ये ऐसे आएगा आपका, ये 20 आ गया आपका फ्रंट और उसका ये गहराई 40। तो ये जो इसका जो ये जो हमारा रेक्टेंगल है, जो हमारा ये आयताकार जो भूमि है, तो उसका रेशियो क्या है, 1:2, मतलब जितना फ्रंट है उसकी दुगनी आपकी गहराई। इसमें ही जैसे आप 30 फुट हो सकता है, ये आपने 30 फुट ले लिया फ्रंट और उसका वो जो गहराई है वो 60 फुट हो, मतलब ये 1:2 के एक अनुपात 2 के रेशियो में होना चाहिए जो आपका भूमि है, या उसकी अप्रोक्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल 60 हो, मान लो 62 या 65, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम उसको 20 फुट ले रहे हैं फ्रंट को, तो जो भूमि की जो गहराई है वो 60 फुट हो, मतलब उसका एक तिहाई, मतलब वो है, तो उसमें क्या होता है वास्तु के अकॉर्डिंगली भी अच्छा नहीं माना जाता। और आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इस टाइप का प्लॉट होता है जो 20x40 है, तो उसमें जब हम मकान बनाते हैं, जब उसको डिजाइन करते हैं आर्किटेक्चरली, जब हम वास्तु को अप्लाई करते हैं इस टाइप के प्लॉट में, तब जो वेस्टेज होती है जो जगह की, वो कम से कम होती है। स्क्वायर में भी यही है, इसमें भी जगह की जो वेस्टेज है वो कम से कम होती है। और जो अगर आप रेक्टेंगल अगर आप 1:2 के रेशियो में ले रहे हैं, जैसे 20x40 या 30x60, तो उसमें जगह की दिक्कत कम हो, वो जो वेस्टेज होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर आप इस टाइप का कोई प्लॉट ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ ये 20 फुट है आपका और जो उसकी गहराई है वो कोई 60 फुट है, मतलब ये तो रेल का डिब्बा हो गया। जब हम इसको डिजाइन करते हैं तो जो आपकी जब बनाने की जो जगह होती है वो भी बहुत वेस्ट होती है। उसमें आपको जो अधिकतर, जब अगर हम कोई भी मकान कुछ कमरे वगैरह बनाएंगे ना, तो अधिकतर जो चीजें हैं ना वो पैसेज में निकल जाएगी आपकी, तो वेस्ट हो जाएगी, जगह को हम अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे, आपको उसका ज्यादा ज्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम इसको वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये बुरा माना जाता है। और अगर आर्किटेक्चरली अगर हम इस तथ्य को समझें, तो जब अगर आप इतना महंगी जमीन खरीद रहे हो और आपको उसमें अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसको यूज नहीं कर पाओगे, तो उसका आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा। पहली बात ये तो आई हमारी आकृति की। दूसरा पॉइंट हमारा आता है एंगल्स, मतलब जो उसकी जो एंगल है, जो अगर हमने जो ये प्लॉट लिया है तो इसके जो ये एंगल है ये सारे समकोण होने चाहिए 90 डिग्री पे, ये सारे हमारे 90 डिग्री पे होने चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंगली। अगर आपको साइट ऐसी मिलती है कि वो 90 डिग्री पे नहीं है, हो सकता है आपकी जो साइट है वो इस तरीके से हो,
वो इधर से बढ़ रही हो, वो गुनिया में ना हो, वो बढ़ रही हो इस साइड से, तो आपको उस चीजों का भी ध्यान रखना है कि वो अगर है तो आप ले सकते हैं उसको, लेकिन आप जब उसको बनाएंगे तो आप उसको गुनिया में करेंगे, पहले 90 के दीवार सीधी करने के बाद ही आप लेंगे। इसमें ये चीजों का आप 90 डिग्री का ये ध्यान रखेंगे। फिर आप हम याद अगला जो पॉइंट आता है हमारा आता है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस क्या होता है कि अगर हमारा जैसे ये प्लॉट है, ये मेरा नॉर्थ आ गया, ये मेरा ईस्ट है, वेस्ट साउथ, तो इसमें क्या होता है कि कई बार अगर मान लो कि हम यहां से जो हमारी जैसे हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया तो इस हिसाब से नहीं होता। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा ये फ्रंट ज्यादा होता है, ये पीछे कम है, तो ये इस तरीके से ये बड़ा होता है, हमारा बड़ा हुआ होता है। तो जब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अगर हमारा बड़ा हुआ होता है तो वो शुभ माना जाता है, वो अच्छा माना जाता है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज अगर आपकी यहां पे ये बड़ी होगी, मींस आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर अगर बड़ा हुआ है तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। और इसी तरीके से अगर आपका कई बार अगर ये साउथ वेस्ट कॉर्नर बड़ा होता है तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अगर आपका नॉर्थ वेस्ट बढ़ रहा है, नॉर्थ वेस्ट बढ़ रहा है तो वो अच्छा माना जाता है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप उसको पहले गुनिया में करेंगे, उस चीज को आप अपनी ग्रीनरी के लिए या और किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो 90 के एंगल पे ही आपका बनेगा। तो ये बात तो हुई हमारी शेप्स की, एंगल्स की और एक्सटेंशंस की। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हमने इन चीजों की बात की, अब आप जब ये भूमि का आप चयन कर लेंगे तो उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जो आपने भूमि ली है तो वहां पे आपकी वहां की वो मिट्टी कैसी है, ठीक है या नहीं है। उसके लिए आप एक वो भी कर, जो टेस्ट है वो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उसके बीचों बीच जो प्लॉट है उसमें आप 1.5x1.5 का एक खड्डा खुदवाइए, मिट्टी निकाली सारी, 1.5x1.5 का आपने खड्डा खुदवाया, मिट्टी निकाली, और उसके बाद में उसी मिट्टी को आप वापस उसमें भरिए। अगर तो मिट्टी जितनी आपने निकाली थी और गड्ढा एज इट इज भर जाता है, मतलब जितनी आपने निकाली थी वो पूरा पूरा भर जाता है, तो वो आपके लिए ना तो प्लॉट अच्छा है ना बुरा है, सामान्य है। अगर उसके मिट्टी कम हो जाती है, जितनी आपने निकाली है और वो कम हो जाती है, तो वो आपके लिए बेकार है। और अगर उसकी मिट्टी बढ़ जाती है, जितनी आपने निकाली थी गड्ढा भरने के बाद भी बढ़ जाती है, तो आप उसको कहेंगे कि वो जो जगह है, वो जो भूमि है, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ईस्ट फेसिंग ही लेना चाहिए, ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छा होता है, साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए। तो शास्त्र जो हमारा कहता है, जो वास्तु के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो चारों दिशाएं अच्छी होती हैं, कोई दिशा बुरी नहीं होती। ये क्या होता है कि क्योंकि जो भी दिशा होती है हमारी, हर दिशा में ईस्ट में हर एंट्रेंस अच्छी नहीं होती, वैसे ही नॉर्थ में हर एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। तो वो हम आगे बढ़ेंगे आने वाले आगे सेशंस में कि जो हम हर दिशा है, हर दिशा को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं और उसमें से कितने भाग हैं जो शुभ संकेत देते हैं हमें मेन एंट्रेंस के लिए, और जो कुछ होते हैं वो बहुत गलत होते हैं। ईस्ट में भी ऐसे हैं जहां पे अगर आप गलत जगह पे अगर आप दरवाजा निकाल देते हो तो आपको उसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं, और बाद में आपको ये लगता है कि आपने तो ईस्ट फेसिंग मकान लिया था लेकिन इसमें आपको आपका तो वास्तव घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो एक अलग केस है, वो हम आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे उसको। अभी मैं ये बता रही हूँ कि जो चारों दिशाएं हैं वो कोई भी आप चूज कीजिए, चारों दिशाएं ठीक है। उसके बाद में जब हम उसका अंदर का वास्तु करेंगे तब हम उसको देखेंगे। लेकिन अगर हो सकता है आपको तो अगर साउथ अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप साउथ डायरेक्शन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि साउथ में जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एंट्रेंस के वो हमारे पास कम है। अगर हो सके तो आप साउथ को अवॉइड कीजिए, बाकी आप ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में कहीं कोई भी फेसिंग प्लॉट आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये हो गया। तो इसके अलावा जो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे जहां जिस लोकेलिटी में आप लेने जा रहे हैं प्लॉट को, जहां आप सोच रहे हैं लेने की, तो वहां कोई ऐसा आपकी प्लॉट के सामने कोई इतना बड़ा पेड़ ना हो जिसकी जो छाया है वो आपके घर पे पड़े, वो भी अशुभ माना जाता है।
कोई मंदिर मस्जिद कोई वो पास में ना हो जिसकी छाया आपके घर प्लॉट तक पड़े, वो भी अशुभ माना जाता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। और एक आपने टी पॉइंट पे नहीं लेना, वो मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऐसे करके हमारा ये बन रहा है, ये रास्ता निकल रहा है, एक रास्ता ये निकल रहा है, एक रास्ता ये निकल रहा है, एक रास्ता ये निकल रहा है, और एक ये रास्ता ये निकल रहा है। तो क्या कहते हैं कि हमारा, तो ये जैसे हमारा ये वाला रोड हो गया, हमारा ये रोड हो गया, ये रोड हो गया, तो ये है। तो जो यहां ये जहां जैसे अगर मकान बने हैं आपके, ये सारे मकान है आपके ये वाले, ठीक है। तो जो ये टी पॉइंट पे जो इसके टक्कर के जो ये सामने वाला ये वाला जो प्लॉट होगा वो आपने नहीं लेना है। ये है टी पॉइंट है, ये है, ये नहीं लेना है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे ये टी पॉइंट पे जो जंक्शन बन रहा है वो वाला आपने घर नहीं लेना है। कोई डोर कोई जो रोड है वो आपके घर पे खत्म हो रही है, डेड एंड हो रहा है, वहां आपने नहीं लेना है। तो इन चीजों का आप प्लीज ध्यान रखिएगा। जब भी आप अपना कोई भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, वो अगर आप वहां पे घर उस प्लॉट पे मकान बना के रहने वाले हैं या फिर वो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, तो आप हर चीज का आप उसमें ध्यान रखिए। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है तो वो आप उसमें ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जब हम वास्तु अप्लाई करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दर्शकों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड बटन जरूर दबाइए, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आने वाले जितने भी और वीडियोस हैं उसको आप मिस ना करें। हम वास्तु के अकॉर्डिंगली मकान कैसा बनाएंगे वो भी सीखेंगे, हर तथ्य को समझेंगे कि अगर किचन यहाँ रखनी है तो क्यों जरूरी है। जो क्यों है ना वो मैं आपको क्लियर करूंगी क्यों जरूरी है। किसी भी कॉर्नर में अगर हम किसी चीज को लेके जा रहे हैं क्यों, और अगर आपको ऑलरेडी घर बन गया है तो महावास्तु के अकॉर्डिंगली हम उन चीजों को बिना तोड़फोड़ के और रेमेडीज को कैसे कर सकते हैं वो भी हम आने वाले सेशंस पे देखेंगे। अब तक के लिए।